ठीक है बच्चों, अब आ जाओ ट्रांजिटिव रिलेशन में। ए रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन है के आर किसमें, सेट ए में, वो ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है कि एक रिलेशन सेट ए में ट्रांजिटिव तभी कहलाएगा अगर ए बी रिलेशन का एलिमेंट हो, ठीक है, और उसी रिलेशन में तुम्हें बीसी भी दिख जाए तो फिर एसी को भी रिलेशन का एलिमेंट होना होगा, तभी जाके वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा, किसमें, सेट ए में। ठीक है, एक बात फिर से बोल रहा हूं कि ए बी अगर तुम्हें रिलेशन का एलिमेंट हो बट बीसी नहीं दिखे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोल देंगे। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, जब एक भी तुम्हें ऐसा कंडीशन मिल जाए कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, तब क्या होगा, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ए रिलेटेड टू बी एंड का मतलब है कि अगर ए बी से रिलेटेड हो और बी भी ए से रिलेटेड हो, बी इज रिलेटेड टू सी, सॉरी इसे करेक्ट कर लेना अपने पीडीएफ में, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो ये क्या इंप्लाई करना चाहिए, ए इज रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। द रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई, देखो यहां पे क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक रिलेशन आर लिया, किसमें लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई एक्स वाई अगर रिलेशन का एलिमेंट है, इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ट्रांजिटिव। अब जैसे क्या है कि एक रिलेशन हमने लिया नेचुरल नंबर में, तो हमने क्या बोला कि अगर एलिमेंट एक्स जो कि नेचुरल नंबर है, एलिमेंट वाई जो कि नेचुरल नंबर है, क्यों, बिकॉज हमने रिलेशन जो लिया वो नेचुरल नंबर में लिया है, तो ये बोला है कि एक्स वाई से तभी रिलेटेड होगा जब एक्स वाई को डिवाइड करेगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, इसको तुम ऐसे देख लो, मान लो कि हमने एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स उठा लिया। देखो एक बात सुनो, जैसे अगर हमें किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होगा, एक जनरल प्रूफ करना होगा, और अगर हमें डिसप्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो हम कोई भी एक काउंटर एग्जांपल दिखा सकते हैं। हमने दिखा दिया कि देखो वन टू से तो रिलेटेड है और टू थ्री से रिलेटेड है बट वन थ्री से रिलेटेड नहीं, एक भी एग्जांपल अगर हमने ऐसा दिखा दिया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। बट अगर हमें प्रूफ करना है ना किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव, तो हमें क्या करना होगा, जनरल एक एलिमेंट ए बी उठाना होगा, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, जनरल एलिमेंट ए बी उठाना होगा एंड बीसी उठाना होगा, ठीक है, और सॉरी हमें क्या बोलना होगा कि ए इज रिलेटेड टू बी, ये अज्यूम करना होगा, इसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, इसको हम अज्यूम करेंगे कि ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, और फिर प्रूफ करेंगे कि ए सी से रिलेटेड है। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया तो फिर वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर से एक बात, हमें क्या अज्यूम करना है, ए इज रिलेटेड टू बी ये अज्यूम करेंगे एंड बी इज रिलेटेड टू सी ये भी अज्यूम करेंगे, फिर अगर हमने प्रूफ कर दिया इन दोनों का अज्यूम करके कि फिर ए इज रिलेटेड टू सी, तो हमारा वो रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा। और अगर हमें डिसप्रूफ करना है तो एक भी काउंटर एग्जाम्पल ले लो जिसमें दिखा दो कि वन टू से रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है बट वन थ्री से रिलेटेड नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें क्या करना है, अभी प्रूफ करना है, तो हमने तीन एलिमेंट उठा लिया, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर हमने मान लिया कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है, वाई जेड क्या है, रिलेशन का एलिमेंट है, तो अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है तो एक्स वाई को डिवाइड करेगा, और वाई जेड अगर रिलेशन का एलिमेंट है तो वाई जेड को भी डिवाइड करेगा। तो अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है तो वाई को तुम क्या लिख सकते हो, लैम्डा एक्स, और अगर वाई जेड को डिवाइड कर रहा है तो तुम जेड को क्या लिख सकते हो, म्यू वाई, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर एनी नेचुरल नंबर्स, एनी स्केलर्स, तो जेड क्या होगा, जेड को हमने क्या लिखा, म्यू वाई, यहां से वाई को क्या लिख सकते हो, लैम्डा एक्स, तो म्यू अगर स्केलर है, नेचुरल नंबर है, लैम्डा नेचुरल है, तो म्यू इंटू लैम्डा ये भी नेचुरल नंबर होगा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, म्यू इंटू लैम्डा इंटू एक्स, तो फिर जेड क्या हो गया, स्केलर इंटू एक्स, इसका क्या मतलब होगा कि एक्स डिवाइड्स वाई, तो अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है तो फिर एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स एंड जेड ये क्या हो जाएगा, आपस में रिलेटेड हो जाएगा। एक्स वाई जेड क्या, हमने कोई भी आर्बिटरी तीन नेचुरल नंबर्स लिया है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर एक्स वाई रिलेशन का एलिमेंट है एंड वाई जेड भी रिलेशन का एलिमेंट है, देन एक्स जेड भी रिलेशन का एलिमेंट है, तो ये ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। तो एक्स डिवाइड्स वाई, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है,
अब बच्चों आ जाओ सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में क्या है कि हमने एक रिलेशन लिया 1 2 3। यहां पर रिलेशन देखो, ये रिलेशन एक हमने तीन रैंडम रिलेशन लिख रखा है, रिलेशन आर आर वन एंड आर टू। इसमें देखो 1 2 से है, सेकंड 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 से भी रिलेटेड है, चलो दिख गया। फिर देखो 2 3 से है और 3 2 से है, बट 2 2 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये R जो है ना ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। एक भी अगर हमें ऐसा पेयर दिख जाए कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है और ए सी से रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर रिलेशन लिखा हुआ है ना तुम्हें रोस्टर फॉर्म में, और अगर हमें एक भी ऐसा पेयर दिख गया ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये 2 3 देखो, आर वन में दे रखा है ना 2 3, दूसरा एलिमेंट हमें 3 2 तो दिख ही नहीं रहा है या 3 4 नहीं दिख रहा है, तो फिर ये ट्रांजिटिव हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, आर वन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव के कंडीशन को कब वायलेट करता, जब 2 3 भी होता और फिर 3 4 भी होता, बट 2 4 नहीं होता, तब ये ट्रांजिटिव के रिलेशन को वायलेट करता, तो फिर ये क्या हो जाता, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। बट ये तो इसने तो ट्रांजिटिव रिलेशन को वायलेट नहीं किया, तो R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बट R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्यों, बिकॉज 2 3 है, फिर 3 2 भी है, बट 2 2 नहीं है। R2 में आ जाओ, 1 3 है, 3 2 है, फिर 1 2 भी है। इसका मतलब क्या है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहां 1 2 तो है, तो दूसरा कोई ऑर्डर पेयर ऐसा है ही नहीं जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ट्रांजिटिव के कंडीशन को वायलेट नहीं कर रहा है। तो R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बट R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये समझना है तुम्हें, ठीक है। तो क्या हो गया, R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन R बिकॉज 2 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 2 बिलोंग्स टू R बट 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R। R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, R1 क्या हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, R2 भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। R1 क्यों है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया, R1 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए बिकॉज 2 3 तो है, बिलोंग्स टू R1, ठीक है, एंड 3x बिलोंग्स टू R1 implies 2x बिलोंग्स टू R1 कैन नॉट बी सेड। 2 3 है, जैसे कि R1 में देखो ना, ये 2 3 तो है, ये 2 3 है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू R1 एंड 3x बिलोंग्स टू R1, मतलब ये 2 3 का जो सेकंड ऑर्डर पेयर का एलिमेंट क्या है, 3, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 3 तो R1 का एलिमेंट है और 3x भी R1 का एलिमेंट है, implies 2x belongs to R1, ये हम बोल नहीं सकते, cannot be said to be false, इसको हम फॉल्स नहीं बोल सकते बिकॉज 3x तो एलिमेंट है ही नहीं ना R1 में, बिकॉज देर इज नो 3x belongs to R1, सो नो नीड टू टेस्ट whether 2x belongs to R1 or not, ठीक है। तो ये टेस्ट ही नहीं करेंगे, 2x को तब टेस्ट करते हैं ना जब 2 3 भी होता, 3x भी होता, तभी तो 2x को टेस्ट करते कि 2x रिलेशन के एलिमेंट है या नहीं है। अगर 2x रिलेशन के एलिमेंट नहीं होता तब इसे हम ट्रांजिटिव बोलते, ये नहीं बोलते कि इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, बट 3x तो रिलेशन का एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर हम 2x को टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे ना। इसका क्या मतलब हो गया कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नोट में क्या बोला जा रहा है, द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द नॉन वाइड सेट आर ऑलवेज ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा, क्यों, आइडेंटिटी रिलेशन मान लो सेट हमने ए लिया 1 2 3, तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, तो 1 1 है, तो ऐसे भी बोल दो कि पहला ऑर्डर पेयर 1 1, दूसरा ऑर्डर पेयर भी 1 1, तो 1 1 भी रिलेशन के एलिमेंट है, अगेन 1 1 भी रिलेशन के एलिमेंट है, तो फिर 1 1 भी रिलेशन के एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हो। तो क्या हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना, ये हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है किसी भी सेट में, ठीक है, याद रखना। अब आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन आर दोज रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसी से क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में चेक करने के लिए, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी है, अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। यही बात यहां लिखा हुआ है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, रिफ्लेक्सिव वाला कंडीशन, ये सिमेट्रिक वाला कंडीशन और ये ट्रांजिटिव वाला कंडीशन, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हमने ले लिया सेट ए लिया हमने 1 2 3, इसमें हमने
आर एक ले लिया, एक रिलेशन ले लिया। रिलेशन को हमने किस फॉर्म में लिखा है? रिलेशन को हमने ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब रिलेशन क्या है वो नहीं लिखा है, बट रिलेशन के एलिमेंट्स को हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब तुम देखो, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। वन टू है, टू वन है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। टू टू है तो फिर ये टू टू खुद ही है, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। थ्री थ्री है तो ये थ्री थ्री खुद ही है, तो ये सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। तो वन टू है तो टू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है। तो देखो वन टू है, टू वन भी है, तो वन वन भी है। फिर ये देखो वन टू है और टू टू भी है, तो फिर वन टू ये खुद ही है, ठीक है। अब यहां पे देखो वन से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये वाला है। तो देखो वन वन है और ये वन टू है, तो फिर टू वन वन भी है और वन टू भी है, तो वन टू भी है फिर इसमें। ये देखो ये खुद ही वन टू है। अब टू से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? ये एंड होने वाला कौन सा है? ये है। तो टू टू है और टू से स्टार्ट होने वाला ये है, तो टू टू और टू वन, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए बताओ? टू वन होना चाहिए, खुद ही है। थ्री से स्टार्ट होने वाला तो कोई है ही नहीं, तो फिर ये क्या हो गया? ये हमारा एक ट्रांजिटिव भी रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और साथ में रिफ्लेक्सिव भी हो गया। तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया? एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में आ जाओ। सेकंड एग्जांपल में क्या बोल रहा है? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाई। अगर एक हमने आर रिलेशन लिया, सेट क्या लिया, किस रिलेशन, किस सेट पर हमने रिलेशन लिया? सेट हमने लिया सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सॉरी, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन अ एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर जितनी भी लाइंस हैं, उन सारे लाइंस का एक हमने सेट ले लिया और एक रिलेशन आर लिया। रिलेशन आर में क्या बोला कि दो लाइंस आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। एल वन लाइन एल टू लाइन से तभी रिलेटेड होगा जब एल वन इज पैरेलल टू एल टू। इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्यों? बिकॉज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? हमें यह दिखाना होगा ना कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे जितने भी लाइंस है वो आपस में रिलेटेड है, खुद से रिलेटेड है। तो वो ऑब्वियस ही बात है, एवरी लाइन इज द पैरेलल टू इटसेल्फ। तो क्या होगा यहां पे? हम लिख सकते हैं ना रिफ्लेक्सिव में, फॉर ईच एल, स्मॉल एल लिया हमने लाइन के लिए, कैपिटल एल लिया सेट के लिए। ये जो कैपिटल एल है ना, ये सेट है, सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। तो कोई भी अगर हमने लाइन एल उठा लिया, जनरल लाइन उठा लिया कैपिटल एल सेट का, तो वो क्या होगा? एल इज पैरेलल टू एल। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एल कॉमा एल रिलेशन का एलिमेंट है, फॉर ऑल स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एल। तो मगर इस सेट से कोई भी लाइन उठा लो वो आपस में रिलेटेड है, बिकॉज सारे लाइन्स खुद से के पैरेलल होते हैं। तो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अज्यूम करना होगा कि एल वन एल टू के, बात को सुनो, एल वन एल टू के, एल वन एल टू से रिलेटेड है। ये हमें एज्यूम करना होगा और हमें प्रूफ करना होगा कि एल टू भी फिर एल वन से रिलेटेड है। हमने कोई भी दो लाइन जनरल लाइन उठा ली एल वन एल टू, उसको हम मान लेंगे कि ये दोनों रिलेशन के एलिमेंट है, ये एज्यूम करेंगे और फिर प्रूफ करेंगे कि एल टू भी एल वन के से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया, एल वन एल टू उठा लिया कैपिटल एल सेट का, सच डेट एल वन एल टू क्या रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर एल वन एल टू रिलेशन का एलिमेंट है तो क्या होगा? एल वन इज पैरेलल टू एल टू। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है, तो L2 L1 भी रिलेशन के एलिमेंट है। तो R इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव में क्या करना होगा कि हमें तीन लाइंस उठाना होगा, जनरल लाइंस L1 L2 L3। पहले हमें अज्यूम क्या करना होगा, L1 इज रिलेटेड टू L2, फिर हमें क्या अज्यूम करना होगा, L2 इज रिलेटेड टू L3, और फिर हमें क्या प्रूफ करना होगा, L1 इज रिलेटेड टू L3, ठीक है। तो L1 L2 L3 हमने एलिमेंट उठा लिया कैपिटल L का, सच डेट L1 L2 रिलेशन के एलिमेंट है एंड L2 L3 भी रिलेशन के एलिमेंट है, ये हमने अज्यूम कर लिया। और प्रूफ क्या करेंगे, L1 इज रिलेटेड टू L3। तो अगर L1 L2 रिलेशन के एलिमेंट है और L2 L3 रिलेशन के एलिमेंट है, तो L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो फिर L1 भी L3 के पैरेलल हो गया। तो अगर L1 L3 के पैरेलल हो गया तो L1 L3 belongs to R, ये रिलेशन का एलिमेंट हो गया। सो R is transitive on L, हमारा R क्या हो जाएगा, कैपिटल L में ट्रांजिटिव हो जाएगा। Hence R being reflexive, symmetric and transitive is an equivalence relation, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, याद क्या रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो। अब रिफ्लेक्सिव हमें कैसे प्रूफ करना होता है कि जिस सेट पर अगर हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूफ करना है, उस सेट का हमें क्या दिखाना है कि सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। जनरल कोई भी हम उठा लेंगे, कोई भी एक एलिमेंट,
मान लो कि जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, एक लाइन एल उठा लिया और दिखा दिया कि एवरी लाइन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ अंडर द रिलेशन आर। अगर हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि L1 L2 से रिलेटेड है, ये हम एज्यूम करेंगे, और फिर L2 को L1 से रिलेटेड दिखा देंगे, ये हम प्रूफ करेंगे। और अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे कि कोई भी तीन लाइन उठा लिया, पहले क्या बोलेंगे L1 L2 से रिलेटेड है, फिर क्या बोलेंगे L2 L3 से रिलेटेड है, फिर हम क्या प्रूफ कर देंगे कि L1 भी L3 से रिलेटेड है, तो फिर क्या प्रूफ हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दोगे, सिमेट्रिक प्रूफ कर दोगे, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम, ये कोई ऐसा कोई बहुत ये नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार सुन लो, याद हो अगर है तो अच्छी बात, याद रहे तो अच्छी बात है। यहां क्या बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स, ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स है, एंड एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, और एम हमारा क्या, पॉजिटिव इंटीजर। इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, अगर a माइनस बी, ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, बट m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इफ a माइनस बी, अगर a माइनस बी जो है वो किससे हो, डिविजिबल हो m से, m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और a और b कोई भी इंटीजर चलेगा। तो अगर इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, ठीक है, इफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई m, then A is said to be congruent to B modulo M। अगर A minus B M से divisible है तो हम A को क्या बोलेंगे कि A को बोलेंगे कि congruent to B modulo M। लिखेंगे कैसे, ऐसे ये तीन लाइन बनाएंगे B और modulo M। ऐसे लिखने का क्या मतलब हो गया कि A minus B is divisible by M, ठीक है। 13 modulo क्या हम बोलेंगे, 13 ये 15 इस को क्या बोलेंगे, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। यहाँ क्या बोलेंगे, 15 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मॉडुलो 4, 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4। इसका क्या मतलब है, 15 माइनस 3 इज डिविजिबल बाई 4। अब बताओ 15 माइनस 2 करोगे, 15 माइनस ऑफ माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 तो है हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 15 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 2 मॉडुलो 4, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये ऐसा कोई यूज नहीं है, बट एक बार सुन लो। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चंस में। देखो क्वेश्चंस मैंने 11th और 12th के लिए अलग अलग कर रखा है, तो 11th के जो बच्चे होंगे यहां से जो क्वेश्चन वाला पार्ट है ये स्टार्ट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो मान लो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमने कोई सेट ले लिया ए 1 2 3 और एक रिलेशन आर 1 लिया आर 2 लिया, विच ऑफ देम इज अ रिलेशन ऑन सेट ए एंड विच इज नॉट, विच आर नॉट, बोला है कि आर 1 आर 2 में से कौन सा रिलेशन है सेट ए का और कौन सा नहीं है, सेट ए में कौन सा रिलेशन है और कौन नहीं है। तो सिंपली हमें क्या चेक करना है, आर 1 और आर 2 में ये चेक करना है कि अगर आर 1 ए क्रॉस ए का सबसेट है तो आर 1 रिलेशन हो जाएगा सेट ए में, अगर आर 1 ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है तो आर 1 फिर रिलेशन नहीं होगा सेट ए में। सेम का लाइन पे क्या करेंगे, आर 2 को चेक कर लेंगे, आर 2 अगर ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया तो क्या होगा, आर 2 इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, अगर आर 2 ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं है देन आर 2 इज नॉट रिलेशन ऑन सेट ए। ए क्या दे रखा है हमारे पास, 1 2 3, तो हमें पहले क्या करना है, ए क्रॉस ए लिखना है। तो ए क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 लिखा, इसका क्रॉस ले लिया 1 2 3 के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 2, ऐसे हो जाएगा ना 1 3, फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2, ये तो एक क्रॉस है। अब आर 1 को देखा, इसमें 1 2 है, यहां भी दिख रहा हमें 1 2, ठीक है 3 2 है, 3 2 भी दिख गया, 1 3 है, 1 3 भी दिख गया, तो आर 1 इज अ रिलेशन फ्रॉम रिलेशन ऑन सेट ए, आर 1 क्या हो गया सेट ए में रिलेशन हो गया। आर 2 में देख लो 3.6 है, ये तो है ही नहीं कहीं 3.6, तो आर 2 इज नॉट अ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। यहां क्या बोला, आर 1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो आर 1 इज अ रिलेशन ऑन ए, बट 3.6 जो है वो ए क्रॉस ए का तो एलिमेंट है ही नहीं, सो आर 2 क्या हो गया, नॉट द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो हेंस आर 2 इज नॉट अ रिलेशन ऑन ए। ये 11th क्लास के लिए था। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 11th क्लास के बच्चे इसको भी देखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि लेट एन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और एक रिलेशन लिया है, क्या लिया है कि दो नेचुरल नंबर्स आपस में तभी रिलेटेड होंगे इफ एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मतलब पहले नेचुरल नंबर में तुम ऐड कर दो दूसरे नेचुरल नंबर का ट्वाइस तो 0 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि तुम पहले किसी भी दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे ना
तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में ना एक, अगर तुम देखो तो एक्चुअल में एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है ना, या फिर तुम, हाँ ठीक है, इज आर इज अ रिलेशन ऑन एन, यार ये एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, या तुम ऐसे देख लो क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये कंडीशन दे रखा है ना दो नेचुरल नंबर्स को आपस में रिलेट होने के लिए, तो एक्स प्लस टू वाई जीरो है, तो एक्स का वैल्यू क्या है माइनस टू वाई, तो वाई क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वाई क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो अगर तुमने वाई का वैल्यू वन डाला तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा माइनस टू, वाई का वैल्यू टू डाला तो माइनस फोर, थ्री डाला तो माइनस सिक्स, तो हमें एक्स वाई कैसा दिख रहा है, ऐसा एलिमेंट दिख रहा है ना, तो क्या दिख रहा है, एक्स का वैल्यू हमने क्या डाला, y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू कॉमा वन, माइनस फोर कॉमा टू, माइनस सिक्स कॉमा थ्री, ये सब एलिमेंट आ रहे हैं, बट इसका जो पहला एलिमेंट है वो तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, बिकॉज हमने जो रिलेशन डिफाइन किया वो तो नेचुरल नंबर में डिफाइन किया है, तो इसका क्या मतलब है, r इज नॉट द सबसेट ऑफ n क्रॉस n, हेंस r इज नॉट एन एम्प्टी रिलेशन, लिख लो, बट आर अगर देखो ना इस क्वेश्चन में क्या है कि आर जो है हमारा रिलेशन है, अगर मैं बोलू ना कि इज आर इज एन, यहां पे लिख लो इसको, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, एन यहां पे लिख लो ऐसे, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन एन गिव रीजन, तो आर जो है हमारा ना यहां पे ए होगा, ये ट्रू होगा, इसको करेक्ट कर लो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या ये आर जो है एम्प्टी रिलेशन है, तो यस आर हमारा एम्प्टी रिलेशन है, देखो रिलेशन तो हो जाएगा ना, तुम ऐसे देखो ना कि कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में रिलेटेड नहीं है इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन गिवन है ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर आपस में रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि आर क्या होगा फाइव, तो फाइव भी तो हमारा रिलेशन है ना एम्प्टी रिलेशन, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इज आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन एन, तो यस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन ऑन एन, अगर मान लो कि हमने सेट एन पे ये रिलेशन डिफाइन किया और एन का कोई भी एलिमेंट एन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो फिर रिलेशन क्या आएगा, एम्प्टी रिलेशन आएगा, तो आर हमारा एम्प्टी रिलेशन तो हो ही गया ना, तो इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना, ठीक है, थोड़ा मिसगाइडिंग भी क्वेश्चन होता है, ये करेक्ट कर दिया मैंने इसको, आर हमारा क्या हो गया एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री में, यहाँ पे क्या बोला है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल एन, फिर एक हमने रिलेशन डिफाइन किया नेचुरल नंबर पे, डिफाइन बाई दो नेचुरल नंबर तभी रिलेटेड होंगे आपस में जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 41, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा है कि एक हमने रिलेशन डिफाइन किया नेचुरल नंबर में, दो नेचुरल नंबर एक्स एंड वाई आपस में तभी रिलेटेड होंगे व्हेन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 41 होना चाहिए, तो फाइंड एंड डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो क्या करना हमें रिलेशन का डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन को किस फॉर्म में रखेंगे, इसको हम रखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद हर एक ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का सेट बना लेंगे जो हमारा डोमेन हो जाएगा, फिर हर एक ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना लेंगे जो कि हमारा रेंज हो जाएगा, और जो सेकेंड सेट होता है वो हमारा कोडोमेन हो जाएगा, तो रिलेशन हमने किस पे डिफाइन किया नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पहला भी सेट नेचुरल नंबर है, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन क्या हो गया नेचुरल नंबर, तो x कैन बी ओनली दोज नेचुरल नंबर फॉर विच x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 41 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक्स वाई तभी रिलेटेड होगा आपस में जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तुम ऐसे देखो, हमने y को लिख लिया x के टर्म में, ठीक है, तो y को क्या लिखा 41 माइनस x अपॉन 2, तो यहां पे अब तुम ध्यान दो, x की वैल्यू अगर तुमने 1 रखा ना तो क्या हो जाएगा 41 माइनस 1 40 डिवाइडेड बाई 2 तो 20 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 एंड 20 आपस में रिलेटेड है, x का वैल्यू 1 रखा तो y क्या मिल गया 20, तो 1 और 20 आपस में रिलेटेड है, देख लो 1 और 20 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहां पर डाल लो x की जगह 1 और y की जगह 20 डाल लो, सॉरी 10 डाल लो, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 40, ठीक है, x की जगह 1 डालो, y की जगह क्या डालो 20 डालो, तो आ जाएगा ना 41, तो इसका क्या मतलब है 1 एंड 20 आपस में रिलेटेड है, ठीक है,
तो फिर देखो x की जगह फिर अगर तुमने 1 डाला तो क्या हो गया, y का हमें नेचुरल नंबर वैल्यू मिल गया। अगर तुमने x का वैल्यू 2 डाला तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 39। तो 39 डिवाइडेड बाई 2 ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि 2 और 2 के क्रॉस्पॉन्डिंग हमें जो नेचुरल नंबर 2 है उसके क्रॉस्पॉन्डिंग हमें कोई भी 2 का इमेज नहीं मिला, मतलब 2 हमारा नेचुरल नंबर किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। फिर अगर तुमने x का वैल्यू 3 डाला तो 3 डालोगे तो क्या होगा, 41 माइनस 3 क्या होगा, 38, ठीक है ना। तो 38 को तो 2 से डिविजिबल है, क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 3 एंड 19 ये भी आपस में रिलेटेड है। तो इसी तरह से हमने x लिख लिया और इसी तरह से y लिख लिया, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट हो जाएगा x, वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, ये भी 11th क्लास के लिए है। डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोला कि एक्स वाई ये हमने रिलेशन को डिफाइन किया है, ये हमने आर एक रिलेशन को डिफाइन किया है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, वाई किसके इक्वल होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 वेर एक्स बिलोंग्स टू जेड, और मॉड ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3। तो ये रिलेशन में क्या है हमारे पास, एक रिलेशन हमने डिफाइन किया है ऑन जेड, इंटीजर्स पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है। क्या बोला है कि दो इंटीजर्स आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के इक्वल होना चाहिए। अगर वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 के इक्वल है तो x और y आपस में रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन क्या दे रखा है कि मॉड ऑफ x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, माइनस 3 से 3 तक, ठीक है। तो माइनस 3 से 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हो गए, ये सारे इंटीजर्स हो गए। तो अब कुछ नहीं है, ये सारे इंटीजर्स को यहाँ इस कंडीशन में डालते जाओ, उसके क्रॉस्पॉन्डिंग y निकालते जाओ, तो सारे इंटीजर्स का क्या मिल जाएगा, माइनस 3 का इमेज मिल जाएगा, फिर माइनस 2 का इमेज, बोलने का मतलब कि माइनस 3 किस नंबर से एसोसिएट हो रहा है वो मिल जाएगा, फिर माइनस 2 का इमेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x का वैल्यू माइनस 3 ये सब डाला तो y हमें ये मिल गया। डाल के देख लो, यहाँ तुम माइनस 3 डालोगे ना तो माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 4, तो माइनस 4 का मॉड क्या हो जाएगा, 4, तो माइनस 3 का इमेज क्या मिला, 4, तो माइनस 3 और 4 रिलेटेड हो गया। फिर माइनस 2 का इमेज क्या मिला, 3, तो माइनस 2 और 3 रिलेटेड हो गया। ऐसे करके हमने रिलेशंस को लिख लिया। रिलेशंस को लिखने के बाद हर एक ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का सेट बना लिया, वो हमारा डोमेन हो गया। फिर हर एक ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना लिया, वो हमारा रेंज हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, ये डू इट योर सेल्फ है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी 11th क्लास के लिए। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय, डोमेन और रेंज निकालना है। एक्स का वैल्यू दे रखा है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू 0, 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, 1 और 5 आपस में रिलेटेड हो जाएगा। ये हमारा पहला एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। फिर एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा, 2 एंड 6 आपस में रिलेटेड हो जाएगा। फिर x का वैल्यू 2 डालोगे तो 3 एंड 7 आपस में रिलेटेड हो जाएगा। तो रिलेशंस लिख लो ऑर्डर पेयर में, उसके बाद क्या करो, रिलेशंस को लिख लो रोस्टर फॉर्म में, उसके बाद क्या करो, हर एक ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का इमेज बना लो, ये हर एक ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट का सेट बना लो, वो क्या आ जाएगा, डोमेन, और फिर हर एक ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट का सेट बना लो, वो क्या आ जाएगा, रेंज। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 11th क्लास के लिए। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, एक हमने आर लिया रिलेशन, किस में लिया, जेड में। डिफाइंड हमने क्या किया कि दो इंटीजर्स आपस में तभी रिलेटेड होंगे जब दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा। पहले इंटीजर का स्क्वायर और दूसरे इंटीजर का स्क्वायर अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड रिलेशन निकालो, फिर डोमेन निकालो, फिर रेंज निकालो। तो a रिलेटेड होगा b से कब, व्हेन a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल है तो b क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, a b का वैल्यू क्या हमें मिला, एक तो a मिला और एक माइनस a मिला। तो फिर a b से रिलेटेड है तो b का वैल्यू a है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a इज रिलेटेड टू a और a इज रिलेटेड टू माइनस a, बिकॉज b का दूसरा वैल्यू क्या, माइनस a, फॉर a बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, ए बी है ना, यहाँ पे बी की जगह हमने ए डाल दिया, ए बिलोंग्स टू जेड, यूनियन, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया, ए किस रिलेटेड होगा, माइनस ए से, व्हेन ए बिलोंग्स टू जेड, इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया, यही रिलेशन हो जाएगा। तो मैं ऐसे देखो ना, 1 1 से रिलेटेड होगा और 1 माइनस 1 से भी रिलेटेड होगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। क्यों, बिकॉज 1
का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल है, 1 का स्क्वायर और -1 का भी स्क्वायर इक्वल है। फिर 2 से भी रिलेटेड होगा और 2 -2 से भी रिलेटेड होगा। क्यों? बिकॉज 2 का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के इक्वल है और 2 का स्क्वायर -2 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हर एक इंटीजर खुद से रिलेटेड है और हर एक इंटीजर अपने निगेटिव इंटीजर से भी रिलेटेड है। तो क्या हम बोलेंगे, ये बोलेंगे ना, ए क्या होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। और क्या होगा, ए माइनस ए भी क्या होगा, रिलेटेड होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो यहां से अगर तुम निकालोगे डोमेन, यहां से भी तुम डोमेन दिखाओ निकालो, तो ए आ रहा है ना डोमेन, ए क्या हमारा इंटीजर्स, तो डोमेन जेड आ जाएगा। यहां से अगर तुम रेंज की बात करोगे तो रेंज क्या ना हमारा, यहां से ए आ रहा है, यहां से माइनस ए आ रहा है, तो रेंज क्या होगा, माइनस ए। माइनस ए भी क्या हमारा, माइनस ए या ए, तो माइनस ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, तो रेंज भी क्या हो गया, जेड। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। ये भी 11th क्लास के लिए, दो सेट दे रखा है ए एंड बी, ये एक्स है। क्या बोल रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये बी सेट दे रखा 1, 2। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। बोला है कि सेट ए से सेट बी में तुम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी में देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 3, बी में कितने एलिमेंट्स है, 2। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6। तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स मिले हमें, 6। तो ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, 2 to the power 6। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशंस हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच इज 2 to the power 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक सेट दे रखा है 1, 2, लिस्ट ऑल द रिलेशंस ऑन सेट ए। बोल रहा है क्या कि एक सेट ए दे रखा है, बोल रहा है कि अब ए सेट के सारे रिलेशंस को लिस्ट करो। तो इसका क्या मतलब है कि ए क्रॉस ए के सारे सबसेट्स को लिस्ट करो। ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे ना, हर एक सबसेट एक रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया, ए सेट गिवन है, हमने ए क्रॉस ए निकाल लिया। ठीक है, ये ए क्रॉस ए निकल गया। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो 4 एलिमेंट्स होंगे तो कितने इसके सबसेट्स हो जाएंगे, 2 to the power 4 सबसेट्स हो जाएंगे। 2 to the power 4 का क्या मतलब हो गया, 16 सबसेट्स हो जाएंगे। तो 16 सबसेट्स को लिख लेना हमें। अब सबसेट्स हम लिखते कैसे हैं, ये भी ऑलरेडी बताया जा चुका है सेट में, कि पहले एक एक एलिमेंट का तुम सेट बना लो। सबसे पहले तो फाई लिखते हैं, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद क्या है कि इस सेट के ये जो है ना एक रॉ से, इस सेट के एक एक एलिमेंट का सेट बना लो। मतलब क्या होगा, पहला बनेगा ये ऑर्डर पे है ना 1, 1, इसका एक सेट बना लो। फिर ये ऑर्डर पेयर 1, 2, इसका एक सेट बना लो। फिर ये ऑर्डर पेयर 2, 1, इसका एक सेट बना लो। फिर ऑर्डर पेयर 2, 2, इसका एक सेट बना लो। तो एक एक एलिमेंट का सेट बना लो, फिर 2-2 एलिमेंट का सेट बना लो, फिर 3-3 एलिमेंट का सेट बना लो, फिर लास्ट में क्या होगा, ये 4 एलिमेंट का सेट बना लो। तो 4 एलिमेंट का सेट बनाओगे तो खुद ही एक रॉ से आ जाएगा। ठीक है, तो वो काम करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स विच इज नॉट ए ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारे सबसेट्स को मैंने लिखा, एक एक एलिमेंट का बना लिया, फिर 2-2 का बना लिया, फिर 3-3 का बना लिया, फिर ये हमारा क्या ए क्रॉस ए, 4 एलिमेंट का सेट बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेम सेट आ जाएगा ए क्रॉस ए। तो ये सारे सबसेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सब तो बहुत सिंपल है। अब फाई और ये हमारा क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, और ए क्रॉस ए क्या हमारा, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, ये ऑलरेडी बता रखा मैंने, एम्प्टी रिलेशन किसे बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन किसे बोलते हैं। अगर तुमने किसी सेट ए में रिलेशन डिफाइन किया और वो रिलेशन ए क्रॉस ए आ गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। इसके बाद बच्चों आ जाओ, ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये भी 11th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 9। एक हमने आर सेट लिया, ये आर सेट देख लो, रिलेशन ले लिया, सॉरी आर सेट नहीं, एक आर रिलेशन लिया 1, -1, 2, 0, 3, 1, 5, 3। तो क्या बोला, आर इनवर्स लिखो। तो आर इनवर्स कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं है। आर इनवर्स के लिए क्या, हर एक ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को फ्लिप कर दो तो आर इनवर्स आ जाएगा। अब आर इनवर्स का डोमेन क्या होगा, जो आर का रेंज होगा। अब आर इनवर्स का रेंज क्या होगा, जो आर का डोमेन होगा। तो ये खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो, हमारे पास एक सेट दे रखा है ए 3, 5। ठीक है, ये 3 है।
और एक सेट बी दे रखा है 7, 11, तो क्या बोला है, लेट आर, एक रिलेशन हमने लिया, द सेट ऑफ ऑल ए बी सच डेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ए माइनस बी इज ऑड, शो डेट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो ऑब्वियस सी बात है कि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन आता है, कभी भी ऑड नहीं आता है, तो ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ए सेट में भी ऑड नंबर दे रखे हैं और बी सेट में भी ऑड नंबर दे रखे हैं। तो यहां क्या बोल रहा है कि ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से तभी एसोसिएट होगा जब उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। बट हमें पता है कि दो ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, तो इसका क्या मतलब है, ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं होगा, तो फिर हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, फाइ। अगर ए सेट का एलिमेंट बी सेट के हर एक एलिमेंट से एसोसिएट हो जाता तो फिर क्या आ जाता, रिलेशन ए क्रॉस बी आ जाता, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां फाइ और ए क्रॉस ए को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम रिलेशन बोलते हैं। ये सबसे छोटा रिलेशन है फाइ, और ए क्रॉस ए सबसे बड़ा रिलेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम रिलेशन। ठीक है, ए क्रॉस ए को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, और फाइ को क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। तो वही बात यहां लिखी हुई है, पढ़ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, ये भी 11th क्लास के बच्चों के लिए है। क्या बोल रहा है, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एंड टू एंड डिफाइंड बाई,